स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे आज के राशिफल की। आज 26 जुलाई 2023 है और दिन है बुधवार। तो वार के स्वामी बुध देव को नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का राशिफल। शुक्ल पक्ष चल रहा है सावन मास का और अष्टमी तिथि रहेगी आज। सूर्य चल रहे हैं चंद्र राशि में, चंद्रमा सूर्य चल रहे हैं कर्क राशि में और चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में, स्वाति नक्षत्र में। स्वाति नक्षत्र राहु का है, तो राहु के नक्षत्र में चलते हुए चंद्रमा क्या परिणाम देंगे, करेंगे इस पे चर्चा। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी को अवश्य ही शेयर करें। शुरू करते हैं मेष राशि पर। मेष राशि के आज चल रहे हैं चंद्रमा सातवें घर के अंदर। सातवें घर में चलते हुए चंद्रमा आपके लिए बहुत ही शुभ दिन को बना रहे हैं। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, यात्रा भी आपकी होगी और जीवन आपका आगे बढ़ेगा। कुल मिला के देखें तो भाग्य स्थान बलि है, इस कारण से भाग्य का आपको प्रबल रूप से साथ मिलेगा। कई कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, हर कार्य आपके सिद्ध होंगे। हालांकि कार्यों में कुछ न कुछ रुकावट राहु के नक्षत्र में चलते हुए चंद्रमा देंगे, जिसके कारण थोड़ी सी मानसिक परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, परंतु वो बहुत छोटी मोटी होगी जिससे आप ओवरकम हो जाएंगे और आखिर में आपको लाभ की मात्रा बढ़ती हुई दिखेगी। किसी से भी आज आपको वाद विवाद करने से बचना चाहिए और अगर आप कि कोई विवाद चल रहा है, कोई मनमुटाव चल रहा है, तो उन सबको भूल के उसको सुलझाने की और प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। सामाजिक कार्यों में, समारोह में आप आज हिस्सा ले सकते हैं। वहाँ पे आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है जो भविष्य में आपको लाभ दे, या कोई नई रिलेशनशिप आपकी इस माध्यम से स्टार्ट हो, ऐसा संकेत मिल रहा है। काफ़ी अच्छा समय है। नौकरी वाले और कैरियर की दृष्टि से देखें तो आज का दिन आपके लिए सफलता भरा दिन रहेगा। प्रमोशन अगर आपका अटका हुआ था तो प्रमोशन हो सकता है। नौकरी में कुछ न कुछ आपकी प्रशंसा हो सकती है, अधिकारी आपसे प्रसन्न रह सकता है और प्रशंसा आपको मिल सकती है। आपको सिर्फ ये करना है कि अपनी भाषा शैली पर आप ध्यान दें, अपने वे ऑफ टॉकिंग पर ध्यान दें, तो आपके कार्य बनते हुए चले जाएंगे। भाषा शैली में मधुरता और सौम्यता रखें। हालांकि वर्क प्लेस पे भी आपके कार्यों में कुछ न कुछ अटकाव अवश्य आएगा, परंतु आखिरकार कार्य संपन्न हो ही जाएगा। अब बात करते हैं कि बिजनेस और व्यापार कैसा चलेगा। व्यापार और बिजनेस के हिसाब से ये दिन आपके लिए शुभ है। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है या फैमिली बिजनेस है तो मान के चलिए बहुत ही अच्छा चलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप के स्थान में ही चंद्रमा चल रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया चलेगा। कोई आपका शिपिंग का कारोबार है तो भी आपका बढ़िया चलेगा। कुल मिला के दिन आपका शुभ है। फूड से रिलेटेड कार्य है तो भी आपका आज अच्छा चलेगा। होटल है, फूड है, या सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, इस टाइप का आपका वेजिटेबल से संबंधित कार्य है तो वो भी आपका आज बढ़िया चलेगा। कुल मिला के देखें तो व्यापारियों के लिए आज अच्छा दिन है, लाभ इनको अवश्य ही हो जाएगा। मेष राशि वालों के वैवाहिक जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुरक्षित है। घर का वातावरण आज अच्छा बना हुआ रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे चलेंगे और परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के आप किसी न किसी बात पे विचार विमर्श करेंगे और योजना बनाएंगे। अच्छा गेट टुगेदर होगा तो आप अपने जीवन साथी से व्यवहार अच्छा रखें। जीवन साथी आज आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा और जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है। अब जानते हैं लव लाइफ और रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे चलेगी, थोड़ी सी आपको अपने पार्टनर को स्पेस देनी पड़ेगी। पार्टनर के साथ आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है, उसको स्पेस दें, उसको अपने बारे में सोचने दें, अपने रिश्ते के बारे में सोचने दें, तो आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी चलेगी। वैसे लव लाइफ में वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अब विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के आज दिन ठीक ठाक है। उनको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए और अपनी संगत पे ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से चल रहा है। जिन लोगों को जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम है उनको आज थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और उनका दिन अच्छी तरह से व्यतीत होएगा। तो सभी मेष राशि वाले क्या उपाय करें कि दिन श्रेष्ठता के साथ व्यतीत हो जाए। आज भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र राम राम लिख के अगर आप चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा।
आज कोई नया कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, परंतु दो शुभ मुहूर्त हैं जिनमें आप कर सकते हैं। पहला शुभ मुहूर्त तो है 10:30 से स्टार्ट होके 12 o'clock तक। फिर दूसरा शुभ मुहूर्त है जो 2:45 से स्टार्ट होएगा और 5:30 तक चलेगा। इस समय आप अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी नए कार्य की शुरुआत हमको राहु काल में नहीं करनी चाहिए। आज का राहु काल 12 बजे स्टार्ट होके 1:30 तक है। इस समय आप बचें। यात्रा आज आपकी हो सकती है मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को यात्रा करते समय दिशा शूल का ध्यान रखना चाहिए। आज वृषभ का राशि वालों के नॉर्थ की चंद्रमा दिशा चल रहे हैं छठे घर के अंदर करने से और बचें। राहु के नक्षत्र या अगर आप नॉर्थ की आज यात्रा दिन कर रहे हैं थोड़ा तो सा उसका दिन सावधानी के साउथ साथ में व्यतीत चले करिए। या फिर तिल खा के कैरियर भी के आप हिसाब अपनी से दिन यात्रा आपका अच्छा है, स्टार्ट आय कर में सकते वृद्धि हैं। होगी और तो आय मेष राशि वृद्धि वालों के का दिन आज प्रयास आपके ठीक है, सफल रहेंगे। उपाय करिए, आपका जीवन शत्रु से आप मंगलमय हो। परेशान थे तो अब आज बात करते शत्रुओं से हैं आपको वृषभ मुक्ति राशि मिलेगी। की। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। शत्रु शांत रहेंगे और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। कैरियर के हिसाब से ये भी है कि आप आज आपको ऑर्गेनाइज रूप से आगे बढ़ना है, प्लानिंग बना के आगे बढ़ना है, साथ ही धीरज भी रखना है और शांति भी आपको अपने मन में बनाए रखनी है। क्योंकि आपको वर्क प्लेस पे अगर आप जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, तो आपके व्यवहार पे निगरानी रखी जाएगी और आपसे गलतियाँ आज हो सकती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि आप आज ओवर कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं या फिर आप अपने क्रोध में रह सकते हैं। इसके कारण आपके आपके व्यवहार में और आपके कामकाज में गलतियाँ निकाली जा सकती है। नई चीज़ों पर बिल्कुल भी हाथ न आजमाएं। कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, किसी जानकार की सलाह से आप इन्वेस्टमेंट भी आज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आज आप करेंगे तो आगे आपको फ़ायदा उसका मिलेगा। किसी भी तरह के नए कार्य की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो राहु काल का ध्यान रखें। आज का राहु काल 12 o'clock से लेकर 1:30 तक का है। इस समय आपको इन्वेस्टमेंट न करें, न कोई स्टार्टअप या कोई नया कार्य, कोई बड़ी डील इस समय आप न करें। शुभ समय आपका है जो उस समय आप कार्य कर सकते हैं वो 10:30 से 12 o'clock के बीच में करिए या फिर 2:44 से लेके 5:30 के बीच में करिए। ये दो टाइम है, इस समय आप कार्य करिए। तो आप अगर इस समय आप कार्य स्टार्ट करते हैं तो ठीक रहेगा, कोई भी स्टार्टअप आप कर सकते हैं। राहु के नक्षत्र में चलते हुए चंद्रमा आपको आज थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं या द्वंद्व में रह सकते हैं, इसीलिए जोखिम उठाने से आज आपको बचना चाहिए। साथ ही किसी को भी धन का लेन देन करते समय सावधानी रखें क्योंकि आपके छठे घर में चंद्रमा चल रहे हैं तो आपको धन का लेन देन या कर्ज का लेन और देन, लेना और देना कर्ज को, दोनों ही स्थितियों में आपको बड़ी सावधानी से और बहुत ही अच्छी तरह से चलना है, तभी आप अपने धन को बचा पाएंगे। आज का जो भी आज आपके देखा जाए तो थोड़ा सा परेशानी तो रहेगी, राहु के नक्षत्र में है और स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम रह सकता है। गुप्त अंगों से संबंधित प्रॉब्लम, नसों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको डायबिटीज़ से संबंधित प्रॉब्लम भी रह सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा परिवर्तित करें। भागदौड़ आपकी आज बहुत अधिक रहने वाली है। घरेलू कामकाज में आप भागदौड़ रहेंगे, पूरा दिन आप व्यस्त रहेंगे और आज आपका संपर्क क्षेत्र भी बढ़ने वाला है। धर्म कर्म में रुचि रहेगी और संगत पे आपको आज ध्यान देना है। आपके संपर्क क्षेत्र में कुछ गलत लोग आ सकते हैं, उनसे आप सावधान रहें क्योंकि वो बाद में ही आपको ही परेशान करेंगे या आपका ही नाम खराब करेंगे। ननिहाल पक्ष से नान्या नानी की तरफ से आपको कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है, ये आपके लिए शुभ समाचार है। वैसे पारिवारिक सुख आपका अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी के साथ वार्तालाप करते समय थोड़ा सा अपने शब्दों का चयन अच्छी तरह से रखें, अपने आवेश पे कंट्रोल रखें। वैवाहिक जीवन आपका सही है, जीवन साथी आपके प्रति बहुत ही मददगार बना हुआ है, जीवन साथी का सम्मान करें। लव लाइफ की दृष्टि से देखें तो असुरक्षा की भावना आपके अंदर जागृत हो रही है। आपकी तरफ से आपका पार्टनर आपके प्रति काफ़ी विनम्र बना हुआ है, परंतु आप में असुरक्षा की भावना है, तो सुरक्षा की भावना रखें। रिश्तों को सौम्यता और प्यार से सींचे, आपके रिश्ते आगे जाके आपको ही सुकून और शांति का एहसास कराएंगे। तो वृषभ राशि वाले आज क्या उपाय करें कि उनका दिन शानदार बीत जाए? आसमानी रंग का चुनाव करिए आप एक तो, और भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन का अवश्य ही उपयोग करें। सफ़ेद चंदन से भगवान शिव का तिलक करें अब, और भगवान शिव के ऊपर सफ़ेद चंदन से
आप बेलपत्र पे भी लिख के लगा सकते हैं और वैसे सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी और वहीं शिवालय में बैठ के गायत्री मंत्र का जप करें, आपका जीवन सुखमय और शांति के साथ व्यतीत हो जाएगा। तो ये था वृषभ राशि वालों का राशिफल और मेष राशि वालों का राशिफल। कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके अवश्य बताइए। किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहिए तो उसका भी कमेंट कीजिए। आपके जीवन में आयु आरोग्य बढ़ता रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।